मामला स्टार्ट हुआ सर, वो अभी तक हमको हर तरह से फिजिकली, मेंटली, मतलब हर तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पति है मनीष कुमार, वो आपको मैं बता दूँ यहीं के रहने वाले हैं, भवारा मधुबनी के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरा शादी.com से हम लोगों की जान पहचान हुई थी, कोशिश की है। लेकिन सर मैं बता दूं, राजा की बेटी भी ससुराल में अकेले ही जाती है। और नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आज हम मौजूद है भवारा मधुबनी, जो कि मधुबनी थाना के अंतर्गत आता है। हम यहां पर मौजूद है और हमारे पास एक बहुत, इन दिनों आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिनों से एक बहुत ही पेचीदे मामला वायरल हो रहा है। क्या मामला है ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो जो भी आप वीडियो में नए हैं बने रहे, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही अजीब मामला। और एक में पहुंचे हैं भवारा, और यहां पर एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया है, जहां पर हमारे सामने जो युवती है इनका कुछ दावा है, इनके कुछ इनकी कुछ दलील है, जिसे हम सुनने की आज कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले तो बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा घर पटना हुआ। कहाँ पर? पटना आपका घर हुआ जी। अच्छा, ये यहाँ पर आप क्या मतलब बता रहे हैं आप, क्या मतलब? सर मेरा ससुराल है यहाँ पर, मेरे पति का नाम मनीष कुमार है, मेरे ससुर के नाम राम सुदिष्ट यादव है। सर मेरी शादी 12 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद आर्य समाज मंदिर में हुई थी। शादी तक सब कुछ ठीक था सर। शादी के बाद में रस्म रिवाज के लिए वो अपने गांव यही भेज देते हैं। यहाँ आने के बाद से जो मामला स्टार्ट हुआ सर, वो अभी तक हमको हर तरह से फिजिकली, मेंटली, मतलब हर तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप पटना के हैं, तो फिर आपका हैदराबाद में किस तरह से उनसे मुलाकात हुई? जी, मेरे जो पति है मनीष कुमार, वो आपको मैं बता दूँ यहीं के रहने वाले हैं, भवारा मधुबनी के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरा शादी.com से हम लोगों की जान पहचान हुई थी। शादी.com से जानकारी जी। तो जिस समय आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हुई, उस समय और भी गवाह थे, लोग थे? जी, और भी थे, पंडित थे, पुजारी थे, दो उनके फ्रेंड थे, जो विटनेस का नाम भी है मैरिज सर्टिफिकेट पे थे जी। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके साथ कोई आए नहीं? उनके फ्रेंड मेरे साथ क्यों आएंगे सर? मतलब आपके साथ अभी साथ देने वाला कोई नहीं आपके साथ? नहीं सर, साथ देने वाले सब कुछ है, मेरे घर परिवार भी इनके यहाँ आए, 3-4 पंचायती करने का कोशिश की है। लेकिन सर मैं बता दूं, राजा की बेटी भी ससुराल में अकेले ही जाती है। और मेरे ससुराल में गुड रिलेशन नहीं है। कई बार मेरी माँ आई है, सब लोगों ने देखा है, मेरे चचेरे भाई भतीजे आए हैं, उनके ऊपर भी ये लोग चोरी का केस बेस का मुकदमा डाल देते हैं। जो मेरे मायके से आते हैं सबके ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप जिनका नाम है, वो शादीशुदा है या कवारे है? आप? हम दोनों कवारे ही थे, फर्स्ट मैरिज थी सर। इट्स अ फर्स्ट मैरिज। जी। तो आपके पास क्या प्रूफ है, दिखाएंगे आप? सर मेरे पास में मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज फोटोग्राफ्स है जो। तो यहाँ पर इनकी दलील है कि ऐसे बहुत सारे सबूत है, ऐसे बहुत सारे सबूत है जिनसे दावा कर रही है ये। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इनका दावा है कि आर्य समाज मंदिर में इनका पारंपरिक रूप से विवाह हुआ है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स है जिसमें साफ जो है वो एक लड़का और एक लड़की की जो है शादी की शादी की है सर, देखिए। और आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स है जिसमें दोनों जो है दूल्हा दुल्हन के रूप में है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की शादी में किसी तरह को कोई दबाव नहीं दिख रहा है। आमतौर पर ऐसा भी होता है, चाहती हूं कि एक पिक्चर हाईलाइट करें, क्योंकि लोग कहते हैं कि शादी उन्होंने दबाव में किया, तो मैं चाहती हूं कि इसको आप लोग थोड़ा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मर्जी से बड़ी खुशी से वो फेरे ले रहे हैं, या जो रस्म जो है वो रिवाज में शादी में जो रस्म रिवाज होता है वो की जा रही है, इनका यही दावा है। और कहीं ना कहीं ये पिक्चर्स, कहीं ना कहीं ये पिक्चर्स जो है इस दावे को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है। और
हमने जो है वो दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश की, लेकिन दूसरा पक्ष किसी भी कीमत पर अभी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। शायद कुछ कानूनी तकनीक होगी, लेकिन कुछ भी जो है सामने वाला पक्ष नहीं बोल रहा है, इससे कहीं ना कहीं स्थिति और गंभीर होती जा रही है। तो आप जो इस प्रकार से आए, खाना पीना कैसे होता है आपका? सर मैं अमरन अनशन पे हूँ। आमरण अनशन पे आप जी? कितने दिन से आमरण? सर ये आज मेरा दूसरा दिन है। तो डॉक्टर वगैरह आए थे आपको? नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं स्थानीय लोगों से भी हेल्प मांग रही हूँ, प्रशासन से भी मैं हेल्प मांग रही हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं। आमरण अनशन में जब आप जाते हैं तो प्रशासनिक ड्यूटी बनती है कि डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, हर 24 घंटे में आपको चेक करेंगे, ऐसा कुछ? कोई नहीं सर, मुझे कोई चेक नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही, मुझे हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जाया जा रहा है सर। कोई मुझे प्रशासन के तरफ से पता नहीं क्यों कोई सपोर्ट नहीं है सर। तो अब आपकी क्या मांग है यहाँ पर? मांग यही है सर कि मैं इसी आमरण अनशन में अपने जो भी हो, बस मेरी मांग नहीं पूरा होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँ। तो इस समय हम पहुँचे थे भवारा और हमने जो है उस युवती से बात करने की कोशिश की जो बहुत दिनों से वायरल है। बहुत सारी उन्होंने बातें दिखाई, साथ साथ जो है उन्होंने कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई जो रियल पिक्चर्स की समान थी, और जो है पूरी रीति रिवाज के साथ आर्य समाज मंदिर में जो शादी है उनके बारे में भी बताया। ये तो सामने वाला पक्ष था, दूसरे पक्ष से अभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। परंतु इन दिनों जिस प्रकार से इस तरह की शादियां देखी जा रही है, चाहे वो फेसबुक पर सोशल मीडिया के द्वारा जो शादियां देखी जा रही है, कहीं ना कहीं इन शादियों का ये प्रभाव देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक सीख की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस तरह की सोशल मीडिया की जो शादी है उसे, हालांकि ये हिंदू परंपरा के अनुसार आर्य समाज में हुई शादी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, जो कि आमतौर पर जो है भारतीय समाज में काफ़ी मान्यता दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे पेचीदे हैं। हम इस खबर के अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करेंगे, और साथ साथ अगर मेरा वीडियो शासन प्रशासन के पास जा रहा है तो मैं अपील करूंगा कि अगर आमरण अनशन पे कोई है तो सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्टर आने चाहिए, 24 घंटे में इनको चेक होना चाहिए ताकि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और शासन प्रशासन को पहल करनी चाहिए और मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला दिखाया जा रहा है तो कुछ ज़रूर मामला अंदर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ जो शासन प्रशासन इस पर पहल करेगा, और जो ये युवती है जो कि है पटना की, हैदराबाद से आई है, इन्हें इंसाफ मिलेगा। और इस शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र।